स्वागत है दोस्तों आप सभी का कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। तो भाइयों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के बारे में बात करेंगे, दोनों ही टीमों की तरफ से टीम न्यूज़ और जानेंगे क्या कुछ चेंजेस हो सकती है दोनों ही टीमों की तरफ से, और बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में मेरी मदद करें। तो चलिए भाइयों बात कर लेते हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले मैच डिटेल्स की, जो कि आपको बता दें कि यह जो मुकाबला है शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा, और आप यहाँ से मैच की जो है टाइम और डेट देख सकते हैं। मैच की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे रखी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, आपको बता दें कि पिच जो है बैटिंग के लिए अच्छी पिच होगी और आपको यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, और इस पिच से जो है स्पिनर को थोड़ी सपोर्ट मिलती हुई दिख जाएगी। तो इस मुकाबले के लिए स्पिनर्स काफ़ी अच्छे पिक होने वाले हैं आपकी ड्रीम 11 की टीम में। अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल स्पिनर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर अब टीम न्यूज की। देखिए हो सकता है मेरे हिसाब से जो कुछ चेंजेस कर सकती है बांग्लादेश की टीम, जो कि मोहम्मद मिथुन आ सकते हैं आरिफुल हक के जगह पे, और हो सकता है एक दो चेंजेस आपको बॉलिंग सेक्शन में कहीं आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि रुबल हसैन आपको खेलते हुए नज़र आ जाए अगर वो फिट हुए तो, अबू हैदर के जगह या फिर आरिफुल हक के जगह भी वो खेलते आपको नज़र आ जाएंगे। तो रुबल हसैन के कुछ चेंजेस बनते हैं, इनको आप खेलते हुए देख सकते हैं। और वहीं वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस करेगी, क्योंकि एक सेट टीम है। पिछले मुकाबले में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही थी काफ़ी शानदार, बॉलिंग और बैटिंग काफ़ी शानदार रहा था उनका, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो मेरे हिसाब से कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से। हालाँकि लास्ट समय में कोई चेंजेस इंजरी नहीं होती है तो कोई चेंजेस नहीं होगी। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस पिच की है वेन्यू T20 स्कोरिंग पैटर्न्स की, तो आपको बता दें कुल जो इस पिच पे मुकाबले हैं 37 मुकाबले खेले गए, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 17 बार जीत हासिल किया, वहीं पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है 20 बार जीती है। आपको बता दें कि इस पिच का जो है फर्स्ट इनिंग स्कोर 148 रहा है और सेकेंड इनिंग स्कोर इस पिच का 127 रहा है। इस पिच का जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड रहा है 204 पे 5 विकेट, जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में बना था, और लोएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड रहा है 72 पे 10, जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में बना था, और हाईएस्ट स्कोर चेज यहां पे 194 पे 4, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में बना था, और वहीं लोएस्ट डिफेंड जो है 129 हुआ यहाँ पर, जो कि श्रीलंका और UAE के मैच में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अब जो दोनों ही टीमों की जो हेड टू हेड प्रदर्शन रही है इस मुकाबले पे। बताते हैं आपको वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच जो है इस पिच पे जो है 3 मुकाबले खेले गए हैं अभी तक, जिनमें से बांग्लादेश ने केवल एक ही मुकाबला जीता है और वेस्ट इंडीज़ ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो हालाँकि वेस्ट इंडीज़ जो है T20 में माहिर टीम मानी जाती है वर्ल्ड की, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 में, तो इस मुकाबले में आपको वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से प्लेइंग 11 की, क्या रहने वाली है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से जो आपको प्लेइंग 11 में लिट्टन दास हैं, तमिल इकबाल, सौम्य सरकार, मुस्तफिकुर रहीम, शकीबुल हसन, मोहम्मदुल्ला, मोहम्मद मिथुन या अरिफुल हक में से कोई एक खेलेगा। हालाँकि यहाँ पर देख लेते हैं मोहम्मद मिथुन, मेरे हिसाब से चांसेस हैं इनके आज खेलने के इस मुकाबले में, और यहाँ पे आपको मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन मिराज तो आपको खेलते मिल ही जाएंगे, अबू हैदर, रोनी या फिर रुबल हसन में से कोई एक खेलेगा। हालांकि यहाँ पे जो अगर आपको रुबल हसन फिट हुए और कुछ चांसेस बन भी रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी बॉलिंग सेक्शन में कुछ चेंजेस करे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में बहुत ही ख़राब बॉलिंग किया था इन्होंने, तो यहाँ पे आपको अबू हैदर रोनी की जगह पे रुबल हसन खेलते हुए मिल जाएंगे, और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान ये मुकाबला खेलेंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है बांग्लादेश की तरफ से। और वहीं बता दें आपको वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सेहोप, एवन लुइस, सैमरन हेटमायर, डेरन ब्रावो, निकलस पूरन्स, रॉमेन पॉवेल, कॉर्लस ब्रेथवेट, फेवन एलन, कीमो पोल, सेंडल सेल्डन
कोट्रेल जिन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे पिछले मुकाबले में, उसने थॉमस। तो ये जो है प्लेइंग 11 हो सकते हैं विंडीज की तरफ से। और चलिए बात कर लेते हैं की प्लेयर्स क्या रहने वाले इस मुकाबले में, यानी कि जिनके इर्द गिर्द आप टीम बना के जाएँ तो आपको फ़ायदा होगा, और जो प्लेयर आपको ड्रीम 11 की टीम में काफ़ी अच्छा पॉइंट स्कोर करा के दे सकते हैं। तो दोनों ही टीमों की तरफ से देख लेते हैं की प्लेयर। देखिए बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश के की प्लेयर की, जो कि आपको लिट्टन दास। पिछले मुकाबले में उतना कुछ खास इन्होंने किया नहीं और कुछ कर भी नहीं पाए, तो हो सकता है इस मुकाबले में अच्छा पॉइंट स्कोर करा के दे दे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो T20 के बल्लेबाज हैं काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं ये T20 में, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है T20 के लिट्टन दास। और यहाँ पे तमीम इकबाल काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। ये हो सकते हैं की प्लेयर मुशफिकुर रहीम, जो कि इनके विकेट कीपर है। उसके बाद शकीब उल हसन काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस मुकाबले में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करते हुए मिल सकते हैं। तो बांग्लादेश के ये रहने वाले हैं की प्लेयर। और वहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करें तो से होप, सैमरन हेटमायर, निकोलस पुरन और सैमरन कॉटरल, तो ये जो हैं की प्लेयर हो सकते हैं विंडीज की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सेकेंड T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आप किस प्रकार ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के सेकेंड T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले मुकाबले में ज़्यादातर लोग जो थे कि मुशफिकुर रहीम के साथ ही जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इनको तय नहीं लग रहा था कि से होप करेंगे, निकोलस पुरन करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि निकोलस पुरन को वन डाउन बैटिंग करने भेज दिया था विंडीज की टीम ने, और निकोलस पुरन जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और मैं चाह भी रहा था कि इन्हें IPL में ज़रूर कोई ना कोई टीम ले। तो IPL में ये जो है दिल्ली की तरफ से आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, दिल्ली ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन मैं सोच रहा था कि चेन्नई ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेन्नई या मुंबई में से कोई लेती तो मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा ही खुशी होती, हालांकि उन्होंने लिया नहीं। वैसे निकोलस पुरन जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं थे, हाँ मैं निकोलस पुरन को लेके जा रहा हूँ। और अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे मुशफिकुर रहीम को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम लोग इनको ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग में। देखिए 28% लोगों ने इनको ट्राई किया है, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम के लिए। और वहीं बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो तमीम इकबाल को यहाँ से मैं लेके चलूँगा, मोहम्मदुल्ला सैहोप, और यहाँ से लिया है मैंने लिट्टन दास। देखिए यहाँ पे जो एक मैंने यहाँ पे आप पे छोड़ा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना है कि आप लिट्टन दास को लेंगे या हेटमायर को लेंगे, या फिर मोहम्मदुल्ला को ड्रॉप करके हेटमायर को लेंगे और लिट्टन दास, तो आप ये भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आप मोहम्मदुल्ला के साथ जाना चाहते हैं या फिर लिट्टन दास के साथ जाना चाहते हैं या फिर हेटमायर। तो यहाँ पर मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, हालाँकि आप जाना चाहते तो इवन लुइस को भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन है सौम्य सरकार, जो एक ऑप्शन है खेलते हुए मिल जाएंगे, ड्रेन बड़ा वो खेलते हुए मिल जाएंगे, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और नीचे के जो दोनों ऑप्शन है मेरे हिसाब से रिस्की रहने वाले हैं, तो आप ट्राई मत कीजिएगा, खास करके सैफरन अदरफोर्ड को तो ट्राई कीजिएगा ही मत। मोहम्मद मिथुन के चांसेस हैं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप इवन लो इसको ट्राई कर लीजिएगा। हेटमायर की बात करें तो देखिए हेटमायर को अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे मोहम्मदुल्ला को ड्रॉप करके हेटमायर को ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिट्टन दास बच जाएंगे, या फिर लिट्टन दास को ड्रॉप करके हेटमायर को लीजिएगा। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, ये एक चेंजेस जो है मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप ज़रूर चेंजेस कीजिएगा। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैं यहाँ से शकीब और कॉलर्स दोनों के साथ ही जाऊँगा, और मैं दोनों को ज़रूरी अपनी टीम में रखूँगा। और आपके पास जो जो एक दो चेंजेस के चांसेस हैं, अरिफुल हक थोड़े से रिस्की होंगे, हालांकि ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। और जो हेड टू हेड और स्मॉल लीग के अच्छे पिक नहीं होंगे, जो बेस्ट पिक होंगे हेड टू हेड और स्मॉल लीग के, ये दोनों ही मैं रहने देता हूँ। हालांकि आपके पास जो ऑप्शन है रोमन पोवेल भी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन से, देखिए मुस्तफिजुर रहमान को मैं यहाँ पर लेके चलूँगा, उसके बाद जो है मेहदी हसनमीराज, सैडिक कोटल, और यहाँ से मैं यहाँ पर कीमो पॉल, जो कि आपको ऊपरी क्रम में भेज दिए गए थे बैटिंग करते हुए और काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया इन्होंने। और आपको बता दें कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, बैटिंग करने की अच्छी क्षमता है इनमें, और छक्के भी मार सकते हैं। तो
इनको मैं लेके चलूँगा। तो ये मेरे चार बॉलर्स होंगे। हालांकि आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ से रूबल हसन को ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई बांग्लादेश की टीम इन्हें खिला खिलाए इस मुकाबले में। और यहाँ पे ऑस्ने थेमस को आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, इनको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो आपके पास ऑप्शन है, अबू हैदर हैं एक ऑप्शन, लेकिन थोड़े से रिस्की होंगे, तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे क्रेडिट एक अभी भी बच रही है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टीम बनाने के बाद भी एक क्रेडिट बच रही है, तो आप बिल्कुल अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की जो चॉइस, देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की जो चॉइस की बात की तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हालांकि मैं यहाँ से सबसे सेफ़ आपको बोलूँगा कैप्टन के लिए, आप सकीब के साथ जाएँ, काफ़ी सेफ ऑप्शन होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। और उसके बाद अगर किसी के साथ आप जाएंगे तो से होप है, और आपके पास जो ऑप्शन होंगे निकलस पूरन होंगे। और ऑप्शन की बात करें तो आपके पास ब्रेथवेट भी एक अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। इन दोनों को मैं रख रहा हूँ, हालांकि आप ट्राई करना चाहें तो ऐसे भी एक जो कॉम्बिनेशन बनता है ये भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप ट्राई करें तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तमीम इकबाल भी अच्छे पिक होने वाले इस मुकाबले के लिए, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश जीतेगी तो आप यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ से वाइस कैप्टन आपके लिए छोड़ता हूँ, कैप्टन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सकीब को, और वाइस कैप्टन आप देख लीजिए किसको बनाना है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं एक दो चेंजेस करके। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो पे एम रखते हैं 10 लाइक की, तो प्लीज़ 10 लाइक पूरा कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।